गुड मॉर्निंग बच्चों, मैंने आपको प्रश्नावली पद्धति आपको आगे समझाई। तो इस तरह से जैसे प्रश्नों की सूची होती है और आपको या कोई भी व्यक्ति को इसको भर के देना होता है और वो प्रश्नों भेजे जाते हैं इस तरह से, और व्यक्ति जवाब देखता है वो बाद में। फिर ऐसे ऑनलाइन भी सर्वे होता है, उसमें भी होता है इस तरह से, ये ऑनलाइन सर्वे का है। तो ये अलग अलग प्रश्नों की सूची है तो वो आपको दिखाना होता है। फिर ऐसे एनालिसिस होते हैं, तो ये सब प्रश्नावली के लाभ हैं। तो ये अलग अलग सर्वे होते हैं, उसके बाद वो ऑनलाइन जो जो लोग भेजते हैं तो वो प्रश्नावली ही होती है। कभी कभी न्यूज़ में आप लोगों को न्यूज़ रिपोर्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको ये पसंद है, कोरोना में लॉकडाउन अभी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो प्रश्न है। तो आप अपने तरह से भेजते हो उनमें यस या नो, या भारत देश के प्रधानमंत्री अगले कौन होने चाहिए, तो वो भी एक प्रकार की प्रश्नावली ही होती है। तो बच्चों, आज के ये प्रश्नावली के लिए आपको एग्जांपल दिखाए। गुड बाय।